नमस्कार दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि ग्रुप डी और रेलवे के एएलपी के एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक हैं, इसी के मद्देनज़र मैं आपके लिए वन लाइनर ला रहा हूं, जो कि काफ़ी फ्रीक्वेंट और काफ़ी हाई फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, जो कि आने की काफ़ी संभावित इसकी संभावना काफ़ी अधिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत के संविधान प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। देखिए, जो संविधान का प्रस्तावना था उसका पहली बार जो संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है भारत का संविधान किस प्रकार का है। भारत का संविधान नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का। ऑब्वियसली भारत का है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना जाता है। राज्यों का एक संघ, ये सभी को पता है। भारत का संविधान भारत में किस पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। हमारा संविधान जो संसदीय प्रणाली है, सबको पता है संसदीय प्रणाली। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अभी करेंट में 496 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन योर माइंड, ओके। 495 अनुच्छेद एंड 12 अनुसूची शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद एक, इससे आपको यह भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद एक क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान, यहां देखिए क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। 5 से 11 जो है भारत के नागरिकता संबंधी अनुच्छेद है इसमें, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, 5 से 11, ओके। अगला क्वेश्चन है सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था। देखिए सिक्किम को जब ये सिक्किम का विलय हुआ था भारत में, भारतीय संघ का जो इसको सह राज्य का दर्जा 35वें संशोधन में दिया गया था, 35th संशोधन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया। और सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा कब मिला, 36 संशोधन के द्वारा। किस संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। देखिए 41वां जो संशोधन था ये क्या था, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट का एज जो 60 से 62 कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट ओनली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड इन मेनी एग्जाम्स, सो कीप इट इन योर माइंड एंड मग अप इट इफ यू वॉन्ट बिकॉज इट मे बी रिपीटेड इन योर नेक्स्ट एग्जाम्स। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़े गए थे। देखिए ये उसी 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। 42nd अमेंडमेंट जो था, ये आप इसको अपने दिमाग से निकालिए मत, इसको दिमाग में घुसा के रख लीजिए। 42वां संशोधन जो लघु संविधान था, लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी और इसी में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा को संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया, ये भी 42वां संशोधन में हुआ था, ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, ये 44th अमेंडमेंट था। 44वां संशोधन जो था उसमें लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। ये लोकसभा से रिलेटेड है, यानी लोकसभा का जो पहले कार्यकाल था 6 साल का था, इसको 5 वर्ष किया गया। और ये कब किया गया था, 44th संशोधन द्वारा, 44वां संशोधन द्वारा, ठीक है।
तो दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन मैं देना चाहता हूं, जिससे कि आप कमेंट करके मुझे बताइए, ये जो 42वां संशोधन था कौन से ईयर में हुआ था, मुझे आप ईयर बताइए, 42वां संशोधन का ईयर और ये 44वां संशोधन का ईयर बताइए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता हो तो, ठीक है दोस्तों। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी फायदा पहुंचे और बीच सब साथ में आपस में मिलकर डिबेट कर सके, जिससे कि आप इन सब चीजों को सही तरीके से समझ सके, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।